शिव पुराण श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड अध्याय 10वां श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयु बल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हम में भेद करने वाले मनुष्य नरक में जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणा निधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे, उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात, 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार वे वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम में 100 वर्ष तक स्थिर रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। इनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसीलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड अध्याय 10वां समाप्त।